तो दोस्तों आज की जो वीडियो इसमें आपको बताऊंगा, अपने जो इंस्टाग्राम होता है उस पर जो है अभी अभी न्यू ऐप लॉन्च हुआ है जो कि है थ्रेड्स का, और बहुत सारे लोगों ने अकाउंट भी बना लिया होगा। मेक श्योर कि आपने भी बना लिया होगा। अगर आपने अकाउंट बना लिया और आप चाहते हो कि आपका जो थ्रेड्स का जो आइकन आता है, जैसे हमारे नंबर लिखे हुए आते हैं वहां पर, तो अगर आप चाहते हो उस थ्रेड्स के नंबर को हटाना या फिर उस आइकन को हटाना, तो आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा किस तरीके से आप जो है इजिली उसको हटा सकते हो अपने इंस्टाग्राम की प्रोफाइल से। तो चलिए दोस्तों आज के इस कमाल की वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट के। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं रोहित, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो चलिए आज को सीखते हैं। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर मैं स्क्रीन रिकॉर्डर और इस फोन का जो है मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ, और यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना, सिंपली आपको चले जाना इंस्टाग्राम की एप्लीकेशन पर। तो यहाँ पर जो है मैं इंस्टाग्राम की एप्लीकेशन पर चले जाता हूँ। देन यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको जाना है अपनी प्रोफाइल पर। तो सिंपली आपको अपनी प्रोफाइल पर क्लिक कर देना है, पर आपको थ्रेड्स का आइकन दिख जाएगा और आपके नंबर दिख जाएंगे जो भी आपके अकाउंट के नंबर होंगे। तो आपको सिंपली क्या करना है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, यहाँ पर लिखा आ चुका है यू आर आपका जो नंबर होगा वो टू ज्वाइन थ्रेड्स, और यहाँ पर दो ऑप्शन आएंगे। पहला आएगा व्यू थ्रेड्स प्रोफाइल, मतलब अगर कोई भी इस पर क्लिक करता है तो वो आपकी थ्रेड्स प्रोफाइल पर भी जा सकता है, वहाँ पर भी आपको फॉलो कर सकता है। दूसरा ऑप्शन है हाइड बैच, तो ये जो ऑप्शन है ये टेम्परेरी दिया गया है ताकि आपके फॉलोवर या फिर आपके फॉलोइंग जो भी है वो भी थ्रेड्स का यूज़ करे, उस पर जो है अकाउंट बनाए। ये बाद में रिमूव भी हो सकता है, और अभी भी आप करना चाहो तो अभी भी हो सकता है, पर ये आपके लिए बेनिफिट हो सकता है। अगर आपके थ्रेड्स पर कोई भी जाता है तो आपके इंस्टाग्राम पर भी से भी जो है वो कनेक्ट होगा और इंस्टाग्राम पर भी आ सकता है, और अगर इंस्टाग्राम पर जो कोई भी आता है तो थ्रेड्स पर भी जा सकता है। ये बेनिफिट आपके लिए हो सकता है, पर अगर आप इसमें जो है इसको रिमूव करना ही चाहते हो तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख जाएगा हाइड बैच, तो इस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, यहाँ पर लिखा आ चुका है आर यू श्योर, मतलब अगर आप इसको रिमूव करते हो तो आपकी प्रोफाइल पर दोबारा ऐड नहीं होगा अगर आप इसको रिमूव कर देते हो। तो यहाँ पर आपको अगर रिमूव ही करना है, मतलब रिमूव ही करना है आपको, सोच लिया आपने, तो आपको रिमूव बैच पर क्लिक कर देना है सिंपली। जैसे आप क्लिक करोगे आपका जो बैच होगा वो यहाँ पर रिमूव हो जाएगा इजीली। मैं यहाँ पर रिमूव नहीं करने वाला हूँ। तो इसी तरीके का यूज़ करके आप अपने जो इंस्टाग्राम का थ्रेड्स का जो बैच जो होता है उसको रिमूव कर सकते हैं अपने प्रोफाइल पर बिल्कुल ही आसानी से। तो आई होप कि आपको पता चल गया होगा किस तरीके से हम जो इसको रिमूव कर सकते हैं। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आएगी दोस्तों। वीडियो चले गए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि और भी इसी वीडियो आपको मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।